आप देख रहे हैं CN24। परीक्षा में यहाँ सेंटर हुआ था, वहाँ इलेक्ट्रिक सेंटर में था। टेस्ट हो गया? और बिहार से। बिहार कहाँ से? रामनगर। रामनगर से ठीक है। यहाँ कैसे आना हुआ? परीक्षा साला। हाँ परीक्षा हो गई ना। हाँ तो बात जी नेट काम करते हैं, बेचते हैं आप, क्या करते हैं? टावर लगाते हैं। यहाँ काम कर रहे हैं कितने लोग हैं? आप कहाँ से हैं? यहाँ कैसे काय का पेपर? अगर ये जेल वार्डन का जो निकला है तो परीक्षा हो गया। आप कहाँ से हैं? इतने दूर कैसे सेंटर आप लोग? वहाँ सहारनपुर में सेंटर रहा होगा सर, इस साइड के उधर वहाँ लोकल करना चाहिए। ऐसे हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो शाम को गोरखपुर आगमन के बाद आगामी मकर संक्रांति के मेले को लेकर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और कड़ाके के ठंड के मौसम को देखते हुए इस ठंड के मौसम में दूर दराज से आने वाले गरीबों के लिए बनाए गए रैन बसेरे का हाल देखने चल देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेलवे स्टेशन स्थित रैन बसेरे पर पहुँचते हैं, वहाँ का औचक निरीक्षण करते हैं, वहाँ पर उपस्थित लोगों से रैन बसेरे के सुविधाओं के बारे में पूछताछ करते हैं और सभी के द्वारा संतोषजनक जवाब मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत ही इस ठंड से कांप रहे गरीबों में कंबल वितरण को पहुँच जाते हैं। इस कड़ाके की ठंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पाए गए कंबल को पाकर गरीब मजदूरों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिखी। We'll be right back.